डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। मुझे पता है कई मेरे स्टूडेंट्स वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं आज दिन भर, लेकिन क्यों देर से? पहली बात ये मैं बताऊं, क्योंकि मैं भी कुछ रिसर्च कर रहा था, क्योंकि कई कई मेल मुझे मिले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पे, कम से कम 5-6 क्वेश्चन पे मेरे कई स्टूडेंट ने बहुत रिसर्च किया है, तो मैं भी सोच रहा था कि उस पर क्या कहा जाए, इसलिए भी थोड़ी देर हुई है। तो चलिए एनालाइज करते हैं 2022 पेपर को, CUET PG, जिसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है, उस पर चैलेंज करें या ना करें, डिफिकल्टी लेवल कैसा था, कट ऑफ कैसा होगा, इन सब एक्साइटिंग डिस्कशन को, और अगेन विथ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर DUET और आने वाले जो UGC नेट और अदर एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बेहद इंटरेस्टिंग डिस्कशन को, लेट अस बिगिन। इससे पहले कि मैं ये डिस्कशन शुरू करूं, मैं हमेशा कहता हूं कुछ कुछ बातें जो सबके लिए लागू होगी पूरे इस वीडियो पे, एक की बहुत कम ठहरेंगे उस पे जो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आसान है, तेजी से मैं निकल जाऊंगा, और बहुत टाइम देंगे उस पे जहां पे चैलेंज करने की बात आएगी या जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इस तरह से इसको एक घंटे में पूरा करने की कोशिश करेंगे, और सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं और कितने जो हैं डिफिकल्टी लेवल कैसा है और कैसे स्टूडेंट ने किया होगा स्कोर, जो मेरा अंदाजा है जिन्होंने कैसा पढ़ा होगा उस बेसिस पे क्या कट ऑफ जा सकता है, लेट अस डिस्कस। यहाँ पे मैंने जो है चूंकि कॉपी पेस्ट किया है तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने लिख दिया है, आप उसको वहां से जा करके उसके कोड को देख सकते हैं, ऑफिशियल आंसर की जो रिस्पॉन्स सीट है उसमें 25 तक को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मौका लगा तो अलग में करेंगे जनरल पेपर को, यहाँ पे केवल डोमेन स्पेसिफिक पेपर में चर्चा कर रहा हूँ जो 26 क्वेश्चन से शुरू होती है। फर्स्ट क्वेश्चन, एसिमेट्रिकल फीचर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया इंक्लूड, तो ये तो ठीक है, ये आसान है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें यदि देखें तो 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल और ये दोनों आर्टिकल जो स्पेशल प्रोविजन है, मैंने कई बार बताया है कि आर्टिकल 371 वो जो है महाराष्ट्र गुजरात से शुरू होती है और बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट और बहुत सारे स्टेट को स्पेशल प्रोविजन देती है, ये एक एसिमेट्री को दर्शाता है, मैंने कई बार बताया है कि सेंटर से जो स्टेट, मान लीजिए ये सेंटर है फेडरल यूनिट और जो फेडरेटिंग यूनिट है वो जिस तरह से जुड़ते हैं उसमें एसिमेट्री है, तो ये एसिमेट्री को बताता है। 5th शेड्यूल भी वही है कि कुछ स्टेट में स्पेशल प्रोविजन है, वो अलग तरीके से जुड़ते हैं सेंटर से, तो ये सभी जो है, तो ये मॉडरेट लेवल का मैं बोलूंगा, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इसमें जो है ABCD सभी सही है। विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डू नॉट कम विद इन द लेजिस्लेटिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट, ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे ये मार्क किया है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब यहाँ पे मैंने सारे जो वो आर्टिकल हैं जिससे ये रिलेटेड ये क्वेश्चन है उसको यहाँ पे दे दिया है, अब आप देखेंगे कि कितना डिफिकल्ट है। जैसे देखिए, फर्स्ट देखिए आर्टिकल 16(3) में वन ऑफ द थिंग कहता है, जो ऑफकोर्स रिजर्वेशन से रिलेटेड है ये सब, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट, तो मतलब पार्लियामेंट का जिक्र है, स्टेट का नहीं है, इसलिए ये स्टेट इस पे नहीं इनैक्ट कर सकती है। 32 देखें हम तो यहां लिखा है विदाउट द प्रिजुडिस ब्ला ब्ला ब्ला, यहां पे पार्लियामेंट मे बाय लॉ, देख तो पहले ये फ्रेज को भी याद कर लीजिए, पार्लियामेंट मे बाय लॉ, ये हर जगह आपको मिलेगा, इसका मतलब ये है कि कोई जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको लॉ के द्वारा पार्लियामेंट बिल्कुल एलोबरेट कर सकता है, उस पर रूल रेगुलेशन एक्ट बना सकता है, तो वो जो है वो स्पेसिफिक हो जाएगा और वो उसके ऊपर हावी हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखी हुए कॉन्स्टिट्यूशन में जनरल प्रोविजन उसके ऊपर पार्लियामेंट का लॉ चलेगा, मतलब ये कहने की बात है, यदि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो, तो इसका मतलब जहां जहां भी ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ, वहां समझ लीजिए कि इस पर पार्लियामेंट एक्ट बना सकती है, तो यहां भी स्टेट इस पे नहीं कर सकती। 33 यदि देखें, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन दर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज, जो आर्म फोर्सेज के बारे में है, जो फंडामेंटल राइट्स को वहां पे यदि मॉडिफाई कर सकते हैं, तो यहां भी पार्लियामेंट का केवल जिक्र है, यहां पे नहीं कर सकते। 34 में भी जो है पार्लियामेंट का जिक्र है, आप आगे पढ़ लीजिएगा, नहीं कर सकते, लेकिन 16(4) यदि आप देखेंगे तो यहां स्टेट का जिक्र है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन, इसका मतलब स्टेट इस पे लॉ बना सकती है, तो इसको छोड़ दीजिए ई को, तो ABCD जो है यहां आ जाएगा, इस पे नहीं बना सकती है, ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, मैं दूसरी बार कह रहा हूं, ऐसा मैंने मार्क किया, आप काउंट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 6 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, वो ये क्वेश्चन है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, जो कोई स्टूडेंट बहुत भी तैयारी करके गया होगा वो इसको नहीं
क्रैक कर सकता है। इसको जस्ट आप गेस से कर सकते हैं जो गलत हो सकता है, या आप किसी में ए ए बी बी अंत में जो मैं कहता हूं वो यदि मार दें, तो इसको मैं एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कहता हूं, मतलब आप इसको क्रैक नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी एक बाउंसर है। अब यहां पे देखिए क्या है कि स्टूडेंट जो है जब एग्जाम में गए होंगे और इस टाइप का क्वेश्चन मिला होगा, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आते आते बहुत सारे स्टूडेंट नर्वस होने लगे होंगे, उनको लगा होगा कि आज का दिन बहुत बुरा है, और वो उसी टाइप की फीलिंग होती है जैसे कोई बैट्समैन उतरता है वेस्टइंडीज के किसी बारबाडोस के पिच पे, यदि आप क्रिकेट के प्रेमी हैं, और हर बॉल जो है नाक पे मुंह पे हेलमेट पे टक 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 आ रही है, और वो एकदम भयानक से जो है बॉलर बड़े बड़े 6.5 फीट के वो बॉलिंग कर रहे हैं 2 मीटर से, तो वो सिचुएशन आपको लग रहा होगा कि ये पिच यार बैटिंग करने लायक नहीं है, यहाँ पे तो मतलब लहू लुहान हो जाने की आशंका है। लेकिन आगे जब आप देखेंगे तो कैसा आपको लगेगा, पिच स्लो होती जाएगी, इजी होती जाएगी, आप चौके छक्के मारने लगेंगे, ऐसा होता है, आपको लगेगा कि आप दूसरी पिच पे खेल रहे हो, वो पिच है ही नहीं जो सुबह में थी, ऐसा होता है क्रिकेट में भी और रियल लाइफ में भी, ये एग्जाम वैसा ही है, बाद में क्वेश्चन आसान से आसान होते चले जाते हैं, बहुत ईजी हो जाते हैं। अब ये देखिए थर्ड क्वेश्चन 28, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्वेश्चन इन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है। देखिए 16(4) जो है उसमें तो बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन की बात है, 243(d) यदि देखेगा तो रिजर्वेशन ऑफ SC ST पंचायत में है, 243(t) देखिएगा तो ये म्यूनिसिपलिटी में रिजर्वेशन की बात है, और 330 यदि देखेंगे तो ये है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC एंड ST इन हाउस ऑफ पीपल, तो ये होना चाहिए था 330, अब इन्होंने दे दिया है 334 गलती से, जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर सर्टेन पीरियड। ये एक्चुअल ये मेन आर्टिकल नहीं है, ये कहता है कि 70 अभी 80 साल तक ही चलेगा, अभी जैसे 10 साल बढ़ाया गया, इसलिए इसको मैं कह रहा हूं कि आप इसको स्ट्रिक्टली कहें तो इसको चैलेंज कर सकते हैं, आप CUET को आईना दिखा सकते हैं कि आपको 330 देना चाहिए था, आपने 334 दिया जो मेन आर्टिकल नहीं है, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए और हम इसमें को नहीं टैकल कर पाए, ये आप कह सकते हैं, तो इसको मैं कह रहा हूं कि ये चैलेंज करने लायक क्वेश्चन है, मे बी चैलेंज यस, क्योंकि 330 इज द आर्टिकल, और साफ यह कह रहा है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल, इट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 330 नॉट अंडर 334 विच ओनली गिव द टाइम लिमिट फॉर दैट, इसलिए ये इट कैन बी चैलेंज, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं। सो फर्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी चैलेंज इज 28, इसका कोड देख लीजिएगा। 29 देखिए, विच ऑफ दिस फॉलोइंग आर्टिकल्स वे नॉट इंसर्टेड, मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था उससे बहुत आर्टिकल जो है इंसर्ट किए गए, उसमें से इसमें से कौन से नहीं इंसर्ट किए गए। अब देखिए जो इंसर्ट किए गए थे मैंने नेट से लिया है, कितने आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं इसमें, इतने सारे आर्टिकल को इंसर्ट किए गए, सब ए ए ए ए, लेकिन इसमें से यदि आप खोजेंगे तो 21A नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 21A जो है 86 अमेंडमेंट से 2002 में इंसर्ट किया गया था, और 31A जो है ये फर्स्ट अमेंडमेंट में ही ये जो है एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट है इन पब्लिक इंटरेस्ट, वो इंसर्ट किया गया था, तो इन दो को यदि आप हटा दीजिए तो ये तीन जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे जो इंसर्ट किया गया था, और ये तीन है क्या, 39A जो है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है, 43 पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एंड 48 प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट। ये तीन भी जान भी लीजिए आगे के एग्जाम DUET के लिए, तो ये तीन जो है वो इंसर्ट किए गए हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि ओनली ए एंड बी जो है नहीं किए गए। अब यहां मैं कह रहा हूं कि ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट मैंने डी से इसको दर्शाया, जहां जहां डी मिलेगा आपको आगे मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ये डिफिकल्ट है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे स्टूडेंट या कोई भी और स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छी जिनकी समझ है और जो एग्जाम में अपना कूल बनाए रखे होंगे, मतलब उनका दिमाग गर्म नहीं हुआ होगा, सेल गर्म नहीं हुआ होगा, अपना आपा नहीं खोए होंगे, वो इसको टैकल कर सकते हैं, सभी नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, वो भी नहीं कर पाएंगे जो तैयारी करके गए हैं, जब यदि अपना कूल वो लूज कर चुके हैं तो, लेकिन जिन्होंने अपना रखा हुआ है, पेशेंस रखा हुआ है, धैर्य रखा हुआ है, वो इसको, और यदि उन्होंने अच्छी तैयारी की है तो वो उसको, ऐसे क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट कर रहा हूँ, वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट से नीचे के लेवल का है। ऐसे क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो ये भी आपको आप मैंने आगे बताया है करीब 10 क्वेश्चन इस टाइप के हैं, 10-11 क्वेश्चन, तो काफी क्वेश्चन डिफिकल्ट है। अब ये अनदर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर, हु इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेड दैट ब्ला ब्ला ब्ला। आप जानते हैं मैं क्या पढ़ूं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, और इनको कहने वाले एज पर द फैक्ट जो है वो है AK आयंगर थे,
लेकिन ये कैसे एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, अब आप समझ गए होंगे एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्या है, मतलब आप कितना भी तैयारी करके जाए इस तरह के क्वेश्चन को आप टैकल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है दूसरा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट, ये लड्डू क्वेश्चन, पहला आपको लड्डू क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम आपकी आंखों में चमक आई होगी कि चलो एक क्वेश्चन तो मिला, वो है हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट, ये तीन जो है पार्लियामेंट का पार्ट बनते हैं। लेकिन देखिए यहां भी इन्होंने इस तरह घुमाया ए बी सी बी सी डी, तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट और अन्य स्टूडेंट कंफ्यूज भी हुए होंगे। कई लोग काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा नहीं जानते थे, ऐसा मुझे मेल लिखा है लोगों ने, मैं हम लोग सर राज्यसभा खोज रहे थे, काउंसिल ऑफ स्टेट था, हम कंफ्यूज कर गए, ऐसा होता है। लेकिन ये क्वेश्चन है आसान, ए बी सी, लड्डू क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन, लेकिन है आसान। अब अगेन देखिए तीसरा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और आपको मिल जाता है तुरंत, मतलब घबराने की बात है, एग्जामिनेशन में यदि आप बैठे होंगे तो यहां तक आते आते बहुत लोगों को पसीना आने लगा होगा, विच ऑफ दिस इज आर करेक्ट। अब ये देखिए क्यों एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है, वैसे ये चैलेंज करने वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हुई है, मेरे कई स्टूडेंट ने कहा है सर इसको चैलेंज करना चाहिए, मैं नहीं एग्री करता हूँ, क्यों मैं बताता हूँ, थोड़ा इस पर टाइम देंगे। ये आर्टिकल 143 की बात है, चलिए बिफोर के हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें, आर्टिकल 143 को पूरा पढ़ लीजिए। आर्टिकल 143 में दो पार्ट है, वन कहता है 143(1), इफ एट एनी टाइम इट अपियर्स टू द प्रेसिडेंट दैट ए क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट हैज अराइजन और इज लाइकली टू अराइज विच इज ऑफ सच नेचर एंड ऑफ सच पब्लिक इंपॉर्टेंस दैट इट इज एक्सपीडियंट टू ऑब्टेन द ओपिनियन, मैंने रेड कर दिया की वर्ड को, ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉन इट, द प्रेसिडेंट मे रेफर, कोई जरूरी नहीं प्रेसिडेंट रेफर करेगा, मे रेफर टू द क्वेश्चन टू द कोर्ट फॉर कंसिडरेशन एंड द कोर्ट मे, इसको मैंने बड़ा भी कर दिया है, कोई जरूरी नहीं वो दे, मे मतलब वर्ड की शैल नहीं लिखा हुआ है, मे और मे नॉट, द कोर्ट मे आफ्टर सच हियरिंग एज इट फिट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इट्स ओपिनियन देयर ऑन। तो इससे ये जाहिर होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो रेफर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, एंड कोर्ट जवाब दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, आफ्टर सच हियरिंग एज इट फिट्स, वो पूरा हियरिंग करेगा और उसके बेसिस पे जो है वो अपना ओपिनियन ओपिनियन दे भी सकता है। ओपिनियन कभी भी बाइंडिंग नहीं होता, ओपिनियन वर्ड ही जो है वो एडवाइस है, ओपिनियन है, तो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय दैट ओपिनियन, कभी ऐसा होता ही नहीं है, ना ही वो ओपिनियन को कानून माना जाता है एज पर आर्टिकल 141, कोई भी जो ऑर्डर पास होता है सुप्रीम कोर्ट का वो लॉ माना जाता है, हर कोर्ट के लिए बाइंडिंग होता है, लेकिन यहां पे चूंकि ये ओपिनियन है ये लॉ नहीं माना जाएगा। अब यहां पे देखिए 143(2) एक अलग बात कहता है, ये कहता है द प्रेसिडेंट मे नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग इन द प्रोविजो टू आर्टिकल इतना आफ्टर ए डिस्प्यूट ऑफ दिस काइंड मेंशन इन द सेड प्रोविजो, मतलब 131 के अंदर जो उसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है उससे रिलेटेड यदि कोई कंफ्यूजन हो जाए सेंटर स्टेट के बीच में, दो स्टेट के बीच में वहां, तो उस पे वो ओपिनियन जो है मांग सकता है, जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट सब पे मांगा है, एंड द सुप्रीम कोर्ट शैल आफ्टर सच हियरिंग एज इट थिंक्स फिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इस ओपिनियन, यहां शैल है, इसका मतलब है कि यदि इसके तहत, यदि 143(2) के तहत यदि रेफर किया है, ओपिनियन मांगा है प्रेसिडेंट ने, तो कोर्ट इज बाउंड, मान लीजिए इसको शैल वर्ड है यहां, और इस पे मैंने करीब आधा घंटा लगाया है, नेट पे बहुत सारे लॉ जर्नल ने लिखा है कि ये 143 में शैल वर्ड और इसमें मे वर्ड है, इसका मतलब 143(1) में तो कोर्ट जो है वो ऑब्लाइज नहीं है, वो नहीं भी मान सकता है, पोलाइटली डिक्लाइन कर सकता है, लेकिन इसके तहत जो है वो बाउंड है। इन सब के बावजूद भी मैं आपको बोलूंगा कि इतना रिसर्च की जरूरत नहीं होती है, वाई, क्योंकि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका कंक्लूजन नेक्स्ट स्लाइड में, चूंकि मैं दे रहा हूं, कंक्लूजन ये है सिंपल, इस दोनों का परपोर्ट ये है कि प्रेसिडेंट जो है एडवाइस मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको एडवाइस को दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, इस शाल पे मत जाइए, ये बहुत ही स्पेसिफिक है, और प्रेसिडेंट उस एडवाइस से या ओपिनियन से बाउंड नहीं है, और वो कानून नहीं है एज पर आर्टिकल 141, सीधी सी बात है, इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की बात नहीं, ऑफकोर्स इस पे बहुत छीछा लेदर हो सकती है, कहीं लक्ष्मीकांत की बुक की बात लोगों ने कहा है, कहीं कुछ कहा है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ये क्वेश्चन में आर्टिकल 143 प्रोवाइड्स फॉर द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट इज फाइन, द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग, फाइन, द सुप्रीम कोर्ट इज, क्योंकि ओपिनियन है, द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट सो रेफर, मे यहां से ही लीजिए, टू पे इतना मत जाइए, स्पेसिफिक वो कुछ सर्टेन प्रोविजो के बारे में है, वो जनरल नहीं है, आपको रिसर्च नहीं करना है, द सुप्रीम कोर्ट वुड रेस्पेक्टफुली डिक्लाइन टू आंसर विथ रेफरेंस टू इफ इट इज इम्प्रॉपर इन एडवाइजेबल
ये जो है ये बहुत जगह कहा है कि यदि आप डिक्लाइन करते हैं तो आपको रीजन बता देना है, तो इसलिए ये भी सही है, सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव ओपिनियन, इसको सही नहीं मानेंगे। वैसे भी यहाँ कोई भी ऑप्शन जो है आपको सभी ऑल नहीं है, इसलिए एक ना एक तो उड़ना ही है, ये सबसे अच्छा उड़ाने के लिए है, डिस्पाइट नॉट विथ स्टैंडिंग दिस शैल वर्ड, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है, इसलिए ए बी सी डी जो है वो सही है, और ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है अगेन, लेकिन ये चैलेंज करने लायक मेरे अनुसार से नहीं है। आगे जो मैं आपको कह रहा था ये मैंने एक लॉ जर्नल से लिया है कि ये कंक्लूजन है कि आर्टिकल 143 इंपावर्स द प्रेसिडेंट टू मेक रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी मैटर्स ऑफ लॉ, मतलब जो इंपॉर्टेंट है सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, बट इट कैनॉट बी सेड एज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये उसका सुप्रीम कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं, हम लोग एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, लेकिन नाउ इट इज ऑन द कोर्ट टू एग्जामिन वेदर इट शुड बी एंसर्ड और नॉट इफ नॉट विथ वैलिड रीजन। तो वही बात कि ये उसको ठुकरा सकता है पोलाइटली, लेकिन रीजन दे करके। हाउएवर द व्यूज टेकन बाय द कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, सीधी बात है, ओपिनियन है। टिल नाउ 12 रेफरेंसेज हैव बीन मेड बाय द प्रेसिडेंट, आगे कल जान लीजिए, सम ऑफ देम हैव बीन डिस्कस, सो इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द रेफरेंस मेड अंडर द आर्टिकल आर नॉट लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 141। ये बहुत टफ क्वेश्चन पूछेगा, तो ये भी आपको जानना चाहिए। सो इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द इंफीरियर कोर्ट, जैसे 141 में कहता है कि जो भी उसका ऑर्डर है वो लॉ माना जाता है कोर्ट के लिए। तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्लियामेंट में बाय लॉ, ये क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसको आप मॉडरेट लेवल कहेंगे, लेकिन ये जैसे ही आपके आएगा अपॉइंट जजेज ऑफ द हाई कोर्ट, तो जिस स्टूडेंट ने अच्छा प्रिपेयर किया उनको पता है कि ये कॉलेजियम सिस्टम से होता है, ये पार्लियामेंट में बाय लॉ नहीं कर सकती है, जो ये जो फ्रेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट में बाय लॉ, लेकिन ऐसा कहीं लिखा हुआ कंस्टिट्यूशन के अपॉइंट जजेज ये सब सब है, सब है, ये सब भी जान लीजिए कि किस किस आर्टिकल में भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं है। तो ई को यदि आप हटा देंगे तो ए बी सी डी बच जाएगा, तो ये ठीक है, थोड़ा मॉडरेट लेवल का है लेकिन आसान है बिकॉज ऑफ दिस। अब क्वेश्चन आसान होने लगे हैं, आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा एग्जाम में। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स, ये भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है जी, आपने ठीक से पढ़ा है तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई होगी, क्योंकि ये 61st अमेंडमेंट 1988, तो चलिए आसान है, द कॉन्स्टिट्यूशन आसान तो नहीं, इसको मॉडरेट लेवल कहेंगे क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, इतना याद रखना पड़ता है। द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट ने 3 वर्ड इंसर्ट किया था, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है लेकिन केवल उनके लिए जो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, ये भी मॉडरेट लेवल है, ये ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट कर पाएंगे। इसमें उन्होंने सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी को इंसर्ट किया था, तो ये भी जो है एक तरह का मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। Which was the first reported case of public interest litigation? का पहला केस जो PIL का था वो कौन था इंडिया में? ये क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट है, क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि ये इसमें याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट केस 1979 में हुआ था, ये केवल वही स्टूडेंट याद रखेंगे जिन्होंने PIL को बहुत अच्छे से पढ़ा था, ये जाना था कि PN भगवती इसके मेन जो चीफ जस्टिस थे वो इसके प्रणेता थे, मतलब कि काफी सपोर्ट किया था उन्होंने, और 79 में फर्स्ट जो है केस आई थी, ये सब याद है जो कि डिफिकल्ट है, तब आपको आसान है क्योंकि इसमें केवल एक ही 1979, तो आपको इस केस को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट है। अब देखिए 37, ये दूसरा क्वेश्चन, इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। ये है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जुडिशियल रिव्यू जो है उसको माना जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ट्रू है अपने आप में, और रीजन है सुप्रीम कोर्ट इज इंडोर्ड, मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है इंडोर्ड with the power of judicial review to ensure judicial independence and protection of right, ये भी बिल्कुल सही है, और ये देखेंगे आप, चलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन आप जितना पढ़ेंगे, मैंने इसको 10 बार 20 बार भी इसे सोचा, वॉक लेके सोचा, तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करता है, बिकॉज ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी से संबंधित है और प्रोटेक्शन ऑफ राइट से, वो इसेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनता है इसलिए क्योंकि उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, तो मुझे लगता है कि बहुत सही है कि ये उसको एक्सप्लेन करता है, इसलिए आपको इसको चैलेंज करना चाहिए। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शायद ये 38 होगा, यस 38 है, तो द पावर्स विद इन द सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स आर बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल इन नेचर, ये ट्रू है, और इसका जो रीजन है 227(1) gives the High Court power of superintendence over all courts and tribunals within their territorial and constitutional jurisdiction. अब देखिए ये true तो है ही, और ये इसका answer A है। ये आपको ये भी बताता है कि region assertion question कैसे set करना चाहिए।
ये क्वेश्चन परफेक्ट क्वेश्चन है जो कि सही है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल इसके रीजन को बताता है कि क्यों ये रीजन ये स्टेटमेंट सही है। इसी इसी पैमाने पे आप दूसरे को कस सकते हैं। अभी एक और हम लोग देखेंगे, विच फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन। ये एक बहुत ही रिपीटेड घिसा पिटा क्वेश्चन है, लेकिन ये यहाँ टफ इसलिए मैंने डिफिकल्ट इसको कहा है। डिफिकल्ट इसलिए बन गया है कि यहाँ बहुत सारे 5 ऑप्शन दे दिए हैं और बहुत आपको ऑप्शन में घुमा दिया है, इसके चलते बहुत लोग कन्फ्यूज इसमें किए हैं। लेकिन 20, 21, 22, 25 जो है ये सब सबको दिया गया, यहाँ पढ़ सकते हैं 14, 20, 21, 21A, 20, 20, ये सब जो है सबको दिए गए हैं। 15, 16, 19, 29, 30 जो है केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को है, तो इसमें 15 यहाँ पे होता है, तो ई को निकाल देंगे तो ABCD आएगा। इसलिए ये आसान नहीं है बिकॉज ऑफ जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, ना कि ये क्या क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ये डिफिकल्ट बन गया। यहाँ पे डियर स्टूडेंट एक बात को ध्यान रखिए कि CUET ने अपने ऑप्शंस को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना के पेपर को थोड़ा डिफिकल्ट बनाया है। इसलिए जब मैं पहली बार इसको एनालाइज कर रहा था तो मैं बहुत क्वेश्चन को आसान आसान बोल रहा था, लेकिन जब एक्चुअल उसके ऑप्शंस को देख रहा हूं तो मैं अपने बात को रिवाइज कर रहा हूं कि इतना आसान पेपर नहीं था, पेपर एक्चुअली डिफिकल्ट साइड में भी था बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंडेड पार्ट ABCD को भी कैटेगरीज ऑफ स्टेट एंड इंप्लीमेंटेड द स्टेट रीऑर्गनाइजेशन स्कीम। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तो है, लेकिन आपको पता है कि स्टेट रीऑर्गनाइजेशन 1956 में हुआ था, तो आप इस दो को तो उड़ा सकते हैं। इस दो में आप खास से कंफ्यूज करेंगे। 50-50 गेम मेरे उन स्टूडेंट ने जरूर खेला होगा जिनको मैंने ट्रिक बताया था इससे, स्टेट रीऑर्गनाइजेशन स्कीम से। लेकिन यहां पे आपका जस्ट गेस है या आपने कितनी पढ़ाई की है। यदि आपने बहुत पढ़ाई की है और आपने अपना कूल बनाए रखा है तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप इसको ठीक मार लेंगे। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एबोलिश द प्रीवी पर्सेज एंड प्रिविलेज ऑफ फॉर्मर। प्रीवी पर्स किस अमेंडमेंट से खत्म किया गया, जो प्रिंसली स्टेट का इंदिरा गांधी ने किया था, एक सोशलिस्ट मेजर। ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि सभी 71 है, 71 में किया था, लेकिन और एकदम आप कंफ्यूज कर सकते हैं, 26th है, इसलिए इसको वो भी स्टूडेंट कंफ्यूज करेंगे जिन्होंने बहुत पढ़ाई की है, इसलिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट नंबर 3rd या 4th। ये चैलेंज करने लायक है। 42 विच पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट इंडोर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द पंचायत, कौन नहीं है। अब देखिए, मैंने केवल कॉपी लिया है, 18 आइटम जो है वो 12 शेड्यूल में दिए गए हैं म्यूनिसिपलिटीज को। उसमें से तीसरा आइटम है प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जो यहां डाल दिया है प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये म्यूनिसिपलिटी का है, ये 12 शेड्यूल का है, ना कि 11th का, इसलिए ये भी नहीं है। और यहां पे रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउस एंड टैनरी जो है ये तो है ही, तो इसमें चूंकि 2 सही हो गए हैं इसलिए ये इनवैलिड हो गया है, चैलेंज करने लायक हो गया है। इसमें मैंने 29 सब्जेक्ट पूरा पढ़ा, उसमें कहीं भी प्लानिंग प्रिपरेशन फॉर प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, और ये यहां दिया भी हुआ है। यहां पे 29 में पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, लेकिन इसको कितना आप स्ट्रेच करेंगे कि ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को आप बोल देंगे प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसीलिए ये बिल्कुल चैलेंज करने लायक है, आप चैलेंज कर सकते हैं। एजर्सन 43 नंबर देखें, मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें मैं भी कंफ्यूज किया था, बहुत स्टूडेंट भी कंफ्यूज करेंगे कि क्या ऐसा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफकोर्स ऐसा लिखा हुआ है 75 2 में, देखिए क्या लिखा है, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन हम लोग आर्टिकल के अंदर इस तरह से पढ़ते नहीं, हम कॉमन सेंस से चलते हैं कि मिनिस्टर तभी तक ऑफिस में है जब तक कि प्राइम मिनिस्टर चाहता है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट उसका रिजिग्नेशन मांग सकता है। लेकिन ये इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो यही होता है कि एनी ऑफिशियल एनी एग्जीक्यूटिव इन इंडिया वर्क ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जबकि उसको हटाने का सबका एक प्रोसीजर है, चाहे सिविल सर्वेंट हो चाहे मिनिस्टर, लेकिन वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ही, मतलब इसका मायने ये होता है कि आपका कोई फिक्स टेनियर नहीं है, इसको ऐसे समझिए। जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 6 साल का है, UPSC मेंबर्स के 6 साल के हैं, जजेस का एक फिक्स टेनियर है, वैसा फिक्स टेनियर जिसका नहीं होता है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के पर काम करते हैं, ये चीज को याद रखिए, सही है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, ये बिल्कुल सही है, 75(3) में लिखा हुआ है, दोनों का कोई एक्सप्लेनेशन नाता नहीं है, बी एकदम बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट देखिए 44 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ए मनी बिल। ये क्वेश्चन मैं इजी साइड में रखूंगा क्योंकि एक ही इसमें ऑप्शन सही है और यहां पे आप पे अटक जाएंगे, बिल हैज टू बी, या हो सकता है इसमें भी 1, 2, 3, 4 है, तो मतलब एक ही ऑप्शन सही इसमें गलत होगा, इनकरेक्ट है, तो आसान है क्योंकि इसमें ये लिख दिया है बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इंजॉय इक्वल पावर्स। ये जैसे ही लिखा
वैसे ही इसको कोई भी मेरा स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट जिसने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है वो इसको गलत मार देगा, इसलिए आसान है। हु एक्सप्लेन्स पार्टी सिस्टम इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंड डीके? अगेन वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये इस तरह से आप तैयारी करते नहीं हैं, आपको ये पता। अब इसमें ऐसे नाम भी ऐसे हैं कि आप कंफ्यूज योगेंद्र यादव में भी कर सकते हैं और एकदम बिल्कुल कंफ्यूज कर सकते हैं। वैसे ये मोस्ट प्रोबेबली जेम्स मेनर बिल्कुल सही इसका आंसर है, क्योंकि इन्होंने बुक, इन्होंने आर्टिकल लिखा है अवेकनिंग एंड डीके, जेम्स मेनर, पॉलिटिक्स एंड स्टेट सोसाइटी रिलेशन, जिसमें वो बहुत सारा बताते हैं कैसे इंडिया में डेमोक्रेसी एक साथ स्ट्रेंथन भी हुआ है लेकिन पॉलिटिकल डीके भी हुए हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का ह्रास भी हुआ है। तो जेम्स मेनर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, आप काउंट कर सकते हैं कितने अभी तक डिफिकल्ट हो गए होंगे, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये क्वेश्चन जो है इसको आप मॉडरेट टू डिफिकल्ट में रख सकते हैं, लेकिन ये यदि मेरे स्टूडेंट आप हैं तो आप इसको क्रैक कर लेंगे। सम नेशंस लैक स्टेट, आप देखिए कर्ड नेशन है, फिलिस्तीनी नेशन है, बहुत सारे चेचनिया पीपुल हैं, उनको स्टेट नहीं है, स्टेटलेस पीपुल हैं। सम स्टेट्स लैक नेशनल आइडेंटिटी, ये भी सही है, बहुत सारे स्टेट जो होते हैं उनका कोई एक नेशनल आइडेंटिटी नहीं होता है, उसमें मल्टी नेशनल टाइप के होते हैं, मिक्स होते हैं, जैसे जितने भी अम्पायर पहले होते थे सब स्टेट थे लेकिन वो ट्रू सेंस में वो लोग नेशनल आइडेंटिटी लैक करते थे। सम नेशंस ऑक्यूपाई मोर देन वन स्टेट, आप ज्यूइश नेशन को याद कीजिए, अभी कर्ड नेशन को याद कीजिए, चार जगह वो पाए जाते हैं, बहुत बहुत जगह नेशन मतलब पीपुल जो है नेशंस उसको कहते हैं, वो फैले रहते हैं बहुत सारे स्टेट में। सम स्टेट्स कंटेन मोर देन वन नेशन, इसको मल्टी नेशनल स्टेट कहते हैं, इवन इंडिया को भी कई लोग मल्टी नेशनल स्टेट कहते हैं, तो ऐसा है, तो इसलिए ये सभी स्टेटमेंट जो है वो सही है और ठीक है, लेकिन मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। हु अमॉन्ग इज द फॉलोइंग पॉलिटिकल फिलोसफर कैन बी एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ लक इगेलिटेरियन? यहाँ से क्वेश्चन एकदम लड्डू टाइप का होना शुरू हो जाता है। रोनाल्ड डॉर्किन, आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। रीजन एजर्सन, अगेन ये एक चैलेंज करने लायक क्वेश्चन है, यहाँ पे उन्होंने उल्टा किया है, यहाँ है कि प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज, जो इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इट पोज सीरियस चैलेंज टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एज दे करेंटली एग्जिस्ट। ऑफकोर्स ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ट्रू है, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। रीजन है वी नीड ए थिकर कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप लाइक इन्वायरमेंटल सिटीजनशिप दैट ऑब्लिगेट सिटीजन टू इनकलकेट इन्वायरमेंटली सेंसिटिव बिहेवियर। ये बिल्कुल सही है, वैसे ऑफकोर्स ये थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस भी है, लेकिन ये यही कहता है कि एक एक टाइप का रिस्पॉन्सिबल जो है सिटीजन, यदि इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम बनाएं तो वो हम इन्वायरमेंट का केयर कर पाएंगे, वो इसका सॉल्यूशन है। ये एक प्रॉब्लम है, उसका ये सॉल्यूशन है, इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन इन्होंने इसको इसका एक्सप्लेनेशन मानते हुए ए दिया है, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, इनकी कंसिस्टेंसी नहीं है, जो पिछला क्वेश्चन था जिसमें ए होना चाहिए था वहां पे बी दिया, यहां पे ए दिया, आपको बिल्कुल चैलेंज करना चाहिए इसको। द ऑथर ऑफ एसे ऑन टॉलरेशन, यहां से जो है क्वेश्चन लड्डू होने शुरू हो जाते हैं, आपको लगता होगा कि पिच आसान हो गया है, बॉल हाफ बॉली पे आ रही है, धूप निकल गई है और अब बिल्कुल वही पिच जो पहले मॉन्स्टर दिखती थी वो आसान हो गई है खेलने के लिए, ऐसा होता है क्रिकेट में और यहां भी वैसा ही आपके चेहरों पे, और इसी में आपके कैरेक्टर का टेस्ट होता है। अब तक जिसके हाथ पांव नहीं फूले होंगे, जिन्होंने मेरी बात को माना होगा और खूब मुस्कुराए होंगे, अब वो खिलखिला करके हंस रहे होंगे और वो क्वेश्चन बना रहे होंगे, जिनके हाथ पांव फूल गए होंगे, पसीना बह रहा होगा, वो इन सब क्वेश्चन में भी गलत फलत करेंगे। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग थ्योरिस्ट इज नोन फॉर इज वर्क इन थ्योरी ऑफ रिसोर्स इक्वलिटी? इक्वलिटी ऑफ रिसोर्स आप जानते हैं, रोनाल्ड डॉर्किन। रोनाल्ड डॉर्किन से तीन क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया, तीन क्वेश्चन इनके फेवरेट हो गए। हु डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज द टिरनी ऑफ द मेजोरिटी? आप जानते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी कहा था और टॉकवेल ने, यहां तो मिल है नहीं, टॉकवेल केवल है, आसान क्वेश्चन। ये जो है आपको डिफिकल्ट है, क्योंकि थिन थिक मल्टीकल्चरलिज्म यदि आपने पढ़ा है, या कॉमन सेंस यूज करेंगे, कॉमन सेंस भी इसमें काफी है। बेसिकली थिन मल्टी, सब मैं एक्सप्लेन अब क्या करूं, क्योंकि मैंने पहले भी किया हुआ है, थिन मल्टीकल्चरलिज्म मतलब कि बहुत डीप डाइवर्सिटी नहीं है, तो ये तो उल्टा है ना, लिबरल और नॉन लिबरल के बीच में तो डीप डाइवर्सिटी है, तो जस्ट रिवर्स कर दीजिए इसको, और इसको भी रिवर्स कर दीजिए। ये है कि व्यूज ऑल कल्चरल डिफरेंसेस एज डिसएग्रीमेंट बिटवीन ग्रुप्स दैट ऑलरेडी एग्री ऑन लिबरल वैल्यू, ऑलरेडी एग्री करते हैं लिबरल वैल्यू पे, तो आप में बहुत थिन मल्टीकल्चरलिज्म है, तो ये जस्ट उलट दीजिए तो ये हो जाएगा, इसलिए बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन ये जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब ये मैच करना जो है भी इतना आसान नहीं है, आप देखिए क्यों आसान नहीं है, क्योंकि आपको लगभग चारों जानना पड़ता है। सेमोन डे बेवर जो है अपने ऑप्शन से इसने इसको मॉडरेट बना दिया है, ऐसे आसान है।
सिमन जब एवर आप मैच करेंगे डी में, तो आपको लगेगा कि चलो इससे क्रैक होगा, लेकिन क्रैक नहीं होता है, 50-50 गेम खेलते हैं आप। अब बी में थ्री पहले ही हो जाता है, इसका मतलब कि बी का थ्री तो आपको सोचना ही नहीं, दोनों में सही है। अब आपको चुनना पड़ेगा ये दोनों में कौन है। यदि आप, अब आपको इसका मतलब चारों जानना है, यदि आप जानते हैं कि ओकिन ने जो है जस्टिस जेंडर फैमिली लिखा है तभी ये क्रैक करेगा, या आप जानते हैं कि ग्रीड ने जो है फीमेल एनक लिखा है तभी आपको जो है ये क्रैक होगा, इसलिए ये थोड़ा मॉडरेट हो जाता है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो सी का वन हो जाएगा और डी का टू हो जाएगा, तो ये सही है। तो इन्होंने ऑप्शन से इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की है, इसलिए ये पेपर उतना आसान नहीं रह गया है। अब मैं समझ रहा हूँ कि क्यों जब आप एग्जाम दे के आए थे तो आप में से कई का कहना था कि कुछ क्वेश्चन बड़े आसान लग रहे थे, कुछ बड़े डिफिकल्ट लग रहे थे। लिबरल फेमिनिस्ट आर्गू फॉर लॉज दैट गिव वोमेन फॉर्मल इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। ये तो बिल्कुल सही है, यही लिबरल फेमिनिज्म है ही। यहाँ पे आके कुछ लोग आप कंफ्यूज किए होंगे फॉर रेडिकल फेमिनिस्ट द प्रिवलेंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वोमेन। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ा इसमें मुद्दा है, पैट्रियार्की मुद्दा है, मतलब ये लोग जो है रूट कॉज पे जाते हैं कि वोमेन के मिजरी का क्या है, जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है, कैसे जो है सेक्स बायोलॉजिकल है, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, इस तरह का वो कॉन्सियसनेस रेज करने लगते हैं, यूनिवर्सल सिस्टरहुड की बात करते हैं, वो पैट्रियार्की को मिटाना चाहते हैं, वो रेडिकल डायरेक्शन में चले जाते हैं, केवल इक्वलिटी नहीं चाहिए, तो उसमें वायलेंस भी एक है, तो ये भी ट्रू है। तो थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है ये कई लोग इसके चलते कि ये आपको मुश्किल लगे, लेकिन ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन रोनाल्ड डॉकिन। अगेन रोनाल्ड डॉकिन दूसरी बार आ जाते हैं राइट एज ट्रंप। ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बहुत आसान नहीं है, क्योंकि राइट एज ट्रंप मैंने पढ़ाया है लेकिन आपने पता नहीं कितना उस पर सोचा था। वो यहाँ पे आता है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स या कुछ राइट्स ऐसे हैं इंडिविजुअल को विच टेक प्रिसिडेंस ओवर मॉरल एंड लीगल नॉर्म्स जो होते हैं, मतलब कि वो ट्रंप है, वो आपको बचाते हैं, समाज के नॉर्म कस्टम परंपरा सबके ऊपर है, उसको यूज करके आप बच सकते हैं, नहीं तो कहीं आपको लोग सूली पे न चढ़ा दे समाज के नाम पे। तो वो राइट एज ट्रंप वो कहते हैं, ये नहीं है नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी टेक प्रेसिडेंस ओवर इंडिविजुअल, ये जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। एंड इंटरेस्ट ऑफ द होल कम्युनिटी कैन ट्रंप इंडिविजुअल, ये भी जस्ट अपोजिट है, यही केवल जो है राइट है, तो मॉडरेट लेवल का है। स्टेटमेंट वन देखें, जेरेमी बेंथम द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म रेडिकुल्ड नेचुरल राइट एज परनीशियस फिक्शन। ये आपको कंफ्यूज बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है, सबने पढ़ाया होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि उन्होंने नेचुरल राइट को नॉनसेंस बिल्ट ऑन स्टिल्ट कहा था। अब यहाँ पे परनीशियस फिक्शन है, आप सोचेंगे कहा था, नहीं कहा था, किसने कहा था, इनफैक्ट किसी ने रिसर्च करके निकाला कि जॉन ऑस्टिन ने ऐसा कहा था, इसके चलते ये डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ये सही माना गया है, मैं भी इसको सही कहूंगा, क्योंकि यदि मैं भी एग्जाम नहीं होता तो मैं इतना दिमाग नहीं लगाता और मैं कहता कि चलो वो तो नॉनसेंस कहते हैं, परनीशियस कहते हैं, किसी भी नाम से कह दें, वो तो कोसते रहते हैं नेचुरल राइट को, डिराइड करते हैं। ह्यूमन राइट्स, ये तो आसान है, ह्यूमन राइट्स आर बिलीव टू हैव बीन डिराइव फ्रॉम द आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ, तो ये आपको आसान लगेगा। तो ये दोनों जो है ट्रू है, बोथ ट्रू है, तो लेकिन डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट परनीशियस वर्ड के चलते। इफ योर एम इज लिबर्टी इन डेमोक्रेसी ब्ला ब्ला, पढ़ लीजिएगा, आपको पता है ये क्वेश्चन में क्या डिस्कस कर रहा हूं। ये चैलेंज करने लायक है, क्योंकि जितना मैंने रिसर्च किया और मेरे स्टूडेंट ने किया है, ये अल्डस हक्सले का कथन है, बर्टन रसल का नहीं, इसलिए इसको चैलेंज कर दीजिए। फैक्चुअल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द कोर प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ये आपको डिफिकल्ट लगेगा केवल लिसर्स फेयर के चलते, इस पे मैंने बहुत बहस की थी जब पहली बार मैं इसको डिस्कस कर रहा था। लिसर्स फेयर यूटिलिटेरियनिज्म नहीं मानेगा क्लासिकल, क्योंकि ये स्टेट को बहुत सारे ये जो है एरिया में इंटरफेयर करने कहते हैं, जहां पे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल हो। ये सब तो बिल्कुल कोर है, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी है, ग्रेटेस्ट GHP प्रिंसिपल है, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल है। लिसर्स फेयर को आप निकाल दीजिए तो ए बी डी बचता है, इसलिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको एक तो समझना पड़ेगा लिसर्स फेयर का मीनिंग क्या है, और दूसरा इसको उससे निकालना पड़ेगा। ये सभी स्टूडेंट के लिए आसान नहीं है और बहुत कंफ्यूजिंग है। Who among the following defined citizenship as full and equal membership in political community? इसको स्टेटसशिप स्टेटस भी कहते हैं, इसका तीन पार्ट जो भी आपको याद होगा। TH मार्शल, आसान क्वेश्चन मैं कहूंगा, इजी क्वेश्चन। इजी जब भी मैं कहता हूं तो केवल उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने मेरा गाइड एटलीस्ट जो है 7 बार 8 बार पढ़ा है, अच्छे से उन्होंने CBCS सिलेबस देखा है, लाइक दैट। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एडवोकेट द इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, बेहद आसान क्वेश्चन, इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस रॉबर्ट नॉजिक, इजी क्वेश्चन। अब यहां से एकदम विकेट जो है एकदम प्लासिड हो गया है, हर बॉल लगभग आपको आसान आ रही है और आप आराम से बैटिंग कर रहे हैं, आपको बॉल फुटबॉल की तरह दिख रहा है, क्रिकेट की भाषा में कहें तो।
तो जॉन रॉल जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्टियन है। यहाँ पे मुझे कुछ स्टूडेंट ने, आज भी दो तीन स्टूडेंट मिले जैसे, वो परफेक्शनिस्ट भी थे, उल्टा वो एंटी परफेक्शनिस्ट थे, वो परफेक्शनिज्म को काटते हैं। परफेक्शनिज्म क्या होता है, जैसे कि मार्क्स ने कहा था, मतलब कि एक यूनिवर्सल मोरल वैल्यू है जिसको आप फॉलो करके एकदम मोरल परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। आप में बेस्ट जो यूडिमोनिया जिसको कहते हैं फ्लरिशमेंट, जैसे एरिस्टोटल ने कहा था, मतलब आप में जो भी नेचर ने दिया है, आपने फाइनल कॉज को आप अचीव कर सकते हैं। मतलब जितनी आपने पोटेंशियल है, यदि आपने उसको अचीव कर लिया, तो ये परफेक्शनिज्म है। और उसके लिए जरूरी है कि समाज में एक ग्रैंड जो है वैल्यू हो जिसपे सब लोगों का एक हो, उसको बिल्कुल वो काटते हैं, वैल्यू प्लूरिज्म पे जाते हैं वो, जस्टिस एज फेयरनेस बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग कंसेंसस जाते हैं। उनका कहना है कि सबका जो कॉन्सेप्शन ऑफ गुड है अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी लोग जो हैं वो एक अराइव कर सकते हैं जस्टिस एज फेयरनेस पे। सो ही वॉज एंटी परफेक्शनिस्ट। इस पे आप और रिसर्च कर सकते हैं। द ऑथर ऑफ निकॉन, उतना सोचने की जरूरत नहीं है, दिस इज अ लड्डू क्वेश्चन, लड्डू ही इसको मानिए। जो भी स्टूडेंट मेरे, मैं यहाँ पे एक नेचर बताता हूँ, जो ज्यादा रिसर्च करते हैं वो ज्यादा फंसते हैं। मेरा ये कहना है कि एक लिमिट से अधिक आपको रिसर्च नहीं करना है। वो 143 वाला क्वेश्चन आपको ये बताता है, ये क्वेश्चन वो बताता है। सीधा आप देखिए बेस्ट आंसर क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्टियन। क्यों जाना उधर जहां की, अब जब एक ही हमको ऑप्शन चुनना है तो हम परफेक्शनिस्ट तरफ क्यों जाएंगे? हम अच्छे ऑप्शन को छोड़ के और सोचेंगे कि नहीं वो थे भी कहीं, मैंने पढ़ा था कहीं। अरे आप इसको क्यों छोड़ रहे हो? बेस्ट आंसर चुनिए, ना कि जो भी करेक्ट दिखता हो। द ऑथर ऑफ निकोमेकियन एथिक्स, ये बहुत आसान होता चला जाता है। आइडियोलॉजी डी ट्रेसी, आसान इसलिए क्योंकि ये बहुत बार मैंने बताया है, इसलिए आसान, इसलिए नहीं कि ये अपने आप में आसान है। ओसनिक सर्कल, गांधी जी, बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे भी हूवर, सुदराम अंबेडकर, ओरिजिनल पोजिशन रॉल, लेवेथियन हॉब्स एंड पॉलिटिक्स एज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू, आसान आसान। यहाँ पे रिलक्टेंट डेमोक्रेट, आसान। हु इज हिंदू, हिंदुत्वा, सावरकर, सप्तांग, कौटिल्या, कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी, ये जो है माइकल वॉल्जर, आपको पता है ये कम्युनिटेरियन थिंकर थे, अलॉन्ग विथ चार्ल्स टेलर, मैकल्टिन अल्सडेयर एंड सैंडल, माइकल सैंडल के साथ में उन्होंने कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का प्रिंसिपल दिया था। इसे आप बर्लिन, अब कोई मिस नहीं कर सकता है। फोर एसे ऑन लिबर्टी, आसान क्वेश्चन। कंसिडरेशन रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कोई मिस नहीं कर सकता है इसको। जे एस मिल, कोई, जब भी मैं बोल रहा हूँ वो स्टूडेंट जिन्होंने की अच्छे से प्रिपेयर किया है। यूनाइटेड नेशन, ये एकदम ही लड्डू क्वेश्चन है, कोई इसको मिस ही नहीं कर सकता, जिसने पढ़ा हो जिसने नहीं पढ़ा हो। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मल्टीनेशनल नॉन गवर्नमेंटल बिजनेस एंटिटी, मतलब ये बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। मेजर वॉर जो है इसको भी कोई मिस नहीं कर सकता। इस पर पता नहीं कैसे मेरे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए, आई डोंट नो, क्योंकि कारगिल वॉज नॉट मेजर वॉर। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स इज नोन फॉर रियलिज्म, ये सब बहुत आसान है क्योंकि ये नियो लिबरलिज्म है, नियो लिबरलिज्म है। इमानुअल वॉन्स्टन, डिपेंडेंसी थ्योरी कह लीजिए, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इन्होंने दिया था, तो मॉर्गेनथाउ, बहुत आसान क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज कर, उन्होंने कहा सर सबसे पहले रसिया था और हम लोगों ने इसको टिक मार दिया, ऐसा होता है। ये आपने यदि किया है तो बहुत बड़ी गलती आपने नहीं किया है। इसका सही आंसर है जो दो सुपर पावर जो थे, रसिया नहीं, उस समय में जो कंट्री का नाम था यूएसएसआर था, इसलिए। लेकिन इन्होंने आपको कंफ्यूज किया है यहाँ, तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया है कि ईजी को भी थोड़ा कंफ्यूज कर दें, इसलिए थोड़ा ये डिफिकल्ट बना है। सार कब स्टैब्लिश हुआ, 1985, कोई मुश्किल नहीं, लड्डू क्वेश्चन। इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे टू इमर्ज एज रीजनल सुपर पावर, तो मेरी बात आपको याद आएगी कि इस तरह का क्रूड आउटलैंडिश स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होता है, ये रॉन्ग होगा, इसलिए ये क्वेश्चन आसान बन गया, बाकी सब सही है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपको एक चैलेंज थ्रो करता है, क्योंकि यदि आप ये कर भी देंगे कि एनपीटी जो है वो 1968 जो सबको याद रहता है बी का वन, तो आपका बी का वन में केवल आपने 50-50 ही खेला। अब आपको A2 तो हो गया, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या, ABM और सॉल्ट 2 में आपको चुनना पड़ेगा, तब आपको पता होना चाहिए कि सॉल्ट 2 जो है 1979 में हुआ है, तभी ये क्रैक होगा। इसलिए ये मीडियम लेवल का, यह डिफिकल्ट मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बन गया, क्योंकि दो दो डेट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपको मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 जो है वो कोई मेजर जिनेवा कन्वेंशन नहीं है। मेजर जिनेवा कन्वेंशन हमेशा याद रखिए, वो 1949 के कन्वेंशन को कहते हैं, जिसमें कि इंटरनेशनल लीगल स्टैंडर्ड बना ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट इन वॉर, जब लड़ाई हो तो उसमें कैसे जस्ट वॉर का जो प्रिंसिपल है वो जिनेवा कन्वेंशन में आता है, कि जो वुंडेड हो जाए उसको कैसे, जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उसको कैसे ट्रीट करना है, लाइक दैट।
1925 का जो प्रोटोकॉल था ना कि कन्वेंशन, ये ट्रीटी था प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन इन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट। तो ये आपको दे दिया, थोड़ा छिपा हुआ है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये दोनों में सही है तो आपको सोचना ही नहीं है इसमें। तो इसका सही कौन सा निकला? सी का 4, एबीएम ट्रीटी, तो सी का 4 वाला निकला। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसको आप मैच कर लेंगे मैकियावेली प्रिंस से, लेकिन आपको यहाँ भी चारों जानना पड़ेगा, थ्यूसिडाइडस जो है पेलोपोनेशियन वॉर से, मॉर्गेंथाउ पॉलिटिक्स एंड केमिक वॉर। तो ये आसान है लेकिन चारों आपको फिर जानना होगा। अरेंज द फॉलोइंग कोल्ड वॉर इवेंट। तो यहाँ पे देखिए, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है 1962 में होती है, स्वेज 1956 में, ये 1979 में शुरू होता है, 89 तक चलता है। वियतनाम वॉर में कई मेरे स्टूडेंट ने कहा था, जब मैंने आईआर गाइड में लिखा था 65 टू 75, तो नहीं सर वो तो 1955 में ही शुरू हो गया था, लेकिन उसको एक्चुअली जो है 65 से 75 ही माना जाता है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में दिया गया है। कोरियन वॉर जो है 1950 से 53 के बीच में। तो अब आप इसको मैच कर लीजिएगा, मैं छोड़ के आपको जा रहा हूँ। ये जो है आसान नहीं है, इसको मैं मॉडरेट क्वेश्चन कहूंगा क्योंकि बहुत सारे डेट आपको याद रखने हैं, लेकिन फिर भी चूंकि सबसे लास्ट में जो है आप इसमें से देखेंगे तो सबसे लास्ट में क्या बनता है, आपको कोरियन वॉर से पहले तो कोई इसमें नहीं है, तो ई से ही स्टार्ट होगा, उससे आपको 50-50 गेम आप खेल लेते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि दोनों में सी है जो सबसे बाद में है, तो ये भी आपको मतलब ये बता देता है कि सी सबसे बाद में, तो इन सबको आपको के लर्नेज करना है, थोड़ा चैलेंज तो है इसमें, मॉडरेट लेवल का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नैम आर करेक्ट। अब यहाँ पे जब है आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ आके अटक जाएंगे कि नैम सपोर्टेड द पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म। ये इतना क्रूड आउटलैंडिश स्टेटमेंट है, दूसरी तीसरी बार मैं बोल रहा हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग क्रूड स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होता है, तो आप इसको तुरंत रॉन्ग कर देंगे और बाकी आपको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक ही आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है कि केवल एक ही आपको रॉन्ग ढूंढना है, तो आपका ये क्रैक हो गया, ए बी सी डी इसमें आ गया। तो इसलिए एक बहुत मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है, इसको ईजी कह सकते हैं आप, बिकॉज जिस तरह से इसने ऑप्शन दिया है और जैसा स्टेटमेंट दिया है। Who is author of the book Engaging India Diplomacy, Democracy and Bomb? ये question extremely difficult हो सकता था यदि तीनों इसमें Indian नहीं होते, चूंकि तीनों Indian है और कोई Indian इस टाइप का बुक नहीं लिखेगा Engaging India, इसलिए ये question आसान भी हो सकता है यदि आपने ये cool बनाए रखा ऐसा सोचा हो, नहीं तो आपके लिए question हो जाएगा difficult. US Indian Nuclear Cooperation Approval and Non-Proliferation Enactment Act. ये नाम के चलते ये difficult हो गया, यदि ये होता कि US इंडो यूएस न्यूक्लियर डील किस साल हुआ है तो आप आसानी से 2008 कह सकते थे। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए कि इसको 1-2-3 एग्रीमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे एक एक्ट है यूएस में, यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट, उसका सेक्शन 123 में लिखा हुआ है कि पीसफुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन यूएस कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल और इक्विपमेंट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसी सेक्शन के तहत जो है ये इसको पास किया गया था, ये एग्रीमेंट हुए थे, इसको 1-2-3 एग्रीमेंट, ये सब 2008 में हुआ था, मनमोहन सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जिसपे कि उनकी सरकार गिरते गिरते बची थी, उनको फिर सपोर्ट कुछ मिला था मुलायम सिंह यादव के पार्टी का लाइक दैट, तब वो बच पाई थी, इस पे शायद लेफ्ट ने जो है उनसे नाता तोड़ लिया था। वुड्रो विल्सन का जो 14 पॉइंट जो प्रोग्राम है, जो खुद परपेचुअल पीस जो इमैनुअल कांत का है उस पे बेस है, एक तरह का डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी उस पे भी कह सकते हैं जो माइकल डॉयल का था, इन सब रिलेटेड है, सब का जड़ जो है परपेचुअल पीस, जो फिलोसॉफिकल स्केच द परपेचुअल पीस जो कॉन्सेप्ट था कांत का या बुक था उस पर आधारित है। ये आपको मॉडरेट लग सकता है, जो स्टूडेंट बहुत अच्छा प्रिपेयर किए होंगे जानते हैं कि ये कलेक्टिव सिक्योरिटी इंटरनेशनल रिलेशन पे बेस्ड था, इसी पे लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। द पर्पस ऑफ यूएस मार्शल प्लान, मार्शल प्लान आपको मैंने कई जगह बताया है, आप इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं लेकिन चूंकि ऑल ऑफ द अबव है और सब लगभग सब जनरल स्टेटमेंट है, कोई बहुत आउटलैंडिश क्रूड स्ट्रांग स्टेटमेंट नहीं है, तो आपको सब सही लगेगा क्योंकि ऑल ऑफ द अबव सब सही। इसके बारे में इसलिए ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ऑफिशियल नेम इसका जो है मार्शल प्लान था, जिसका ये पूछा जाता है द यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम इसको कहते हैं। इस पे जो है यूएस ने एक एक्ट पास किया था, उसका नाम था इकोनॉमिक रिकवरी एक्ट ऑफ 1948, उसके तहत उसने वेस्टर्न यूरोप को काफी जो है सहायता दी थी, उसका ये तीनों पर्पस था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एमडीजी। ये क्वेश्चन इसलिए डिफिकल्ट बन जाता है कि आपको आठों एमडीजी के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, और एमडीजी चूंकि पुराना हो गया है, 2000 से 2015 के बीच में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, ये आठ यहाँ पढ़ लीजिएगा, आगे यदि डीयूईटी में कहीं पूछे तो ये आठों को याद कर लीजिए। इसमें साउथ साउथ कोऑपरेशन नहीं था, लेकिन इस तरह से पिक करना उन स्टूडेंट के लिए संभव नहीं होगा, दो तरह के स्टूडेंट जिन्होंने बहुत ज्यादा रिवाइज नहीं किया है, नंबर वन,
और जिन्होंने अपना कूल नहीं बना रखा, इसलिए ये डिफिकल्ट हो जाता है। 17 ये मौका है आपको, 17 जो SDG जो अभी भी चल रहे हैं 2015 से 30 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसको याद कर लीजिए। यहाँ पे ही मैं रीड नहीं कर रहा हूँ इसको, इसको बिना याद के आगे मत बढ़िएगा, आगे काम दे देगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन थियोडोर लोवीज क्लासिफिकेशन। ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है क्योंकि थियोडोर लोवी का आपने पढ़ा नहीं होगा, आप गेस स्केल कर सकते हैं। इन्होंने, मैंने यहाँ एडिशनल दिया है, पहले भी दिया था, इन्होंने इन आर्टिकल्स में जो है अपने चार टाइप के पॉलिसी को बताया था, रेगुलेटरी, डिस्ट्रीब्यूटिव, रीडिस्ट्रीब्यूटिव और चौथा कंस्टिट्यूएंट था। कंस्टिट्यूएंट पॉलिसी वो होता है जो कि प्रोसीजर या रूल रेगुलेशन बनाते हैं जिसके तहत कि फिर आगे एक्शन लिया जाता है, जैसे कि आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया, उस टाइप की पॉलिसी जो रूल रेगुलेशन आपको बनाते हैं, या आधार एक्ट भी है जो रूल रेगुलेशन बनाते हैं, तो उस टाइप की पॉलिसी। तो इसमें वेलफेयर पॉलिसी नहीं आता था। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। हु ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हॉथरीन एक्सपेरिमेंट। इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट कहूंगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मिसचीफ किया है। यहाँ क्या किया है, ये हॉथरोनियन वर्क्स ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक, वहां पे यूएस में बहुत बड़ी कंपनी अभी भी है, AT&T टेलीफोन की, उसका बेल लेबोरेटरी भी है। उसी AT&T टेलीफोन कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरी है, उसमें से एक उसका था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, जहां पे कि बहुत सारे वो रिले और ये सब बनते थे, और वो हॉथरेनियन वर्क्स प्लांट कहलाता था। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक जो कॉरपोरेशन था उसके भी बहुत सारे वर्क्स प्लांट था, उसमें से हॉथरेनियन प्लांट था शिकागो बगल में यूएसए में। अब मेरे एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर आप बहुत ठीक से यदि बताते कि यूएसए में था अपने वीडियो में, तो मैं तो आपके बात गौर से सुनता हूँ, तो मुझे हंसी भी आ गई। लेकिन ठीक है, ऐसा हो सकता है कि यूके को लोगों ने सोचा होगा यूके में है, बहुत कम स्टूडेंट ने ऐसा सोचा होगा, लेकिन सोचा होगा, कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मॉडरेट है। तो ये भी जो है सही है और ये गलत है, ये फॉल्स है, इसलिए ये क्वेश्चन मॉडरेट हो जाता है, इजी नहीं रह जाता है बिकॉज ऑफ द मिसचीफ। द बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज ऑथर्ड बाय, यहां से ये लड्डू क्वेश्चन है, ये टेलर ने लिखा है। फायोल ने जो बुक लिखा है वो जान लीजिए, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1960 में, जिसमें उन्होंने 14 पॉइंट प्रिंसिपल दिया, और गुलक एंड उर्विक ने जो है इस बुक को एडिट किया था, एडिटर थे उसके, पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937, जिसमें कि पोस्ट कॉर्प का जो है एक्रोनेम को एक्सप्लेन किया गया था, पॉपुलर बनाया गया था। हु इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट बाउंडेड रैशनलिटी, ये सब बहुत लड्डू होते चला जाता है। हर्बर्ट साइमन का आपको पता है, रैशनल चॉइस डिसीजन मेकिंग थ्योरी देते हुए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देते हैं, गेम थ्योरी पे। ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप काउंट कर सकते हैं पांचवा या छठा होगा, और ये एक पर्टिकुलर बुक से, जो विद्युत चक्रवर्ती जी की बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्लोबलाइज वर्ल्ड, उससे लिया गया है। मेरे स्टूडेंट ने एक में दिया है रिसर्च करके, थैंक्स टू हिम। अब इससे एक और बात साबित होती है कि ये क्वेश्चन JNU के प्रोफेसर ने सेट किया है, ये मेरी गेस है, क्योंकि इस तरह से उनके बुक से लिया गया है, और इसीलिए इस क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा ऐसा डिफिकल्ट बनाया है कि वो फिल्टर कर सकें स्टूडेंट को। दूसरी बात मैं कहूंगा कि इसमें जो है ये गलत है, एज पर हिज बुक, कि गेम थ्योरी के जो कंडीशंस हैं वो अप्रॉक्सीमेट नहीं होते हैं रियल लाइफ में, लेकिन मैं कहूंगा कॉमन सेंस यदि आप जाएंगे तो होते हैं। कई बार हम लोग जो है गेम थ्योरी को अप्लाई करते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या डिसीजन लेगा, इसी पे हमारा डिसीजन बेस हो जाता है, इवन दोस्तों के बीच में भी और फैमिली में भी और अदर रिलेशंस में भी। इसीलिए जब तक यदि इस बुक को आपने नहीं पढ़ाया और यदि आपने याद नहीं रखा, इसलिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बन जाता है। ये चारों सही है, आप पढ़ लीजिए, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं दो बात आपको बताना चाहता हूँ। एक कि जॉन वॉन न्यूमन जो है वो फादर ऑफ गेम थ्योरी कहलाते हैं, इसको याद कर लीजिए, और दूसरा प्रिजनर डायलेमा। प्रिजनर डायलेमा गेम थ्योरी का सबसे जो है एक तरह के पॉपुलर एग्जाम्पल है, पोस्ट कार्ड है, प्ले कार्ड है ये, और इसको यदि आप याद रखेंगे गेम थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चन लाइक ये चारों को आप जो है सही पहचान पाएंगे। चलिए उसको देखते हैं क्या है। इसमें 2x2 मैट्रिक्स है, दो चोर हैं, चोर ए चोर बी। अब चोर ए या तो चुप रहेगा, मतलब मुंह नहीं खोलेगा, या भेद खोल देगा, कन्फेस करेगा, इसी तरह ये भी जो है या तो चुप या तो भेद खोल देगा या चुप रहेगा। अब देखिए 2x2 मैट्रिक्स में क्या है, दोनों यदि साइलेंट रहते हैं, ये भी चुप मुंह नहीं खोला, तो सबसे बढ़िया है, सबसे कम जो है उसको सजा मिलेगी, एज पर द रूल, जो उस थाने का रूल है, लॉ है उस कंट्री का है जहां भी है, कि दोनों को केवल दो दो साल के सजा होगी। लेकिन यहां पे देखिए क्या है, जो जो चोर बी है वो अपना मुंह खोल देता है, वो कन्फेस कर लेता है, खोल देता है, और ये बेचारा जो है भरोसा करके कि हम लोग को तो मुंह नहीं खोलना है, ये चुप रहता है, प्रिजनर ए जो है वो साइलेंट रहता है। तो इसको क्या मुश्किल होती है कि ए को 8 साल की सजा हो जाती है, ये जो है साइलेंट रहा, और ये कन्फेस कर गया तो इसको केवल जो है 1 साल की सजा होती है। तो ये बेचारा मारा गया भरोसा करके,
अब यहां पे देखिए, ये यहां पे दगा दे जाता है, ये कन्फेस कर लेता है, लेकिन ये बेचारा दूसरा चोर जो है साइलेंट रहता है, वो वहां पे वो पनिश हो रहा है। ये तो बच गया, एक ही साल का सजा हुआ और इसको 8 साल का हुआ। और यहां पे दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते कि वो चूंकि भेद खोल देगा, उससे पहले हम ही भेद खोल दें तो हम बच जाएंगे, और दोनों भेद खोलते हैं और दोनों को 5-5 साल की सजा होती है। तो आप देख सकते हैं कि यदि दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करते तो दोनों ही कम से कम में निकलते। ये दोनों में एक को तो फायदा होता है, दूसरे को नहीं, लेकिन ये होगा ही नहीं क्योंकि आप ट्रस्ट ही नहीं करते, होगा यही। ये है गेम थ्योरी का डिलेमा, मतलब तो प्रिजनर्स डिलेमा। यही ये इस चीज को यदि आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्रैक होगा। अब यहां पे मैं वही विद्युत चक्रवर्ती के बुक दे रहा हूं, मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा है, थैंक यू टू हिम। अब इसमें देखिए कि कहां कहां से लाइन लिया गया, पढ़ लीजिएगा। सीधा लाइन उठा दिया गया है, यहां लिखा है द कंडीशंस ऑफ द गेम थ्योरी आर सेल्डम एप्रोक्सीमेटेड इन लाइफ। बताइए कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट अ फेडरल सिस्टम। यहां पे भी आपको एक चैलेंज आएगा, लेकिन ये इसलिए नहीं आएगा कि ये इसको इजी बना देता है। द इन फेडरल सिस्टम द पावर रिमेन्स सेंट्रलाइज्ड, ऐसा यदि लिख दिया तो ये तो जस्ट अपोजिट है, इसको आप निकाल दोगे तो बाकी आपको सब सही सही लगेगा, तो ए सी डी ई हो जाएगा। तो ये मॉडरेट लेवल का है क्योंकि काफी स्टेटमेंट है, आपको हर पे दिमाग लगाना पड़ेगा इसको निकालने के बाद भी। हु क्वाइन द फ्रेज कैच ऑल पार्टी, ये यदि आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपके लिए आसान है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न अप्रोचेज कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, ये सभी मॉडर्न है। बिहेवियरल स्ट्रक्चरल सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव चूंकि सही होता है तो इसलिए ये आसान हो जाता है। क्लासिकल इलिटिस्ट थिंकर कौन नहीं थे, ये डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये जानना कि सुन पीटर नहीं है, क्योंकि उन्होंने जस्ट क्या कहा था, उन्होंने एक इलिटिस्ट डेफिनेशन दिया था डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी सिंपली एक मेथड है ऑफ चूजिंग योर रूलर थ्रू ए पीरियोडिक इलेक्शन, ये उन्होंने कहा था। उसके चलते उनको जो है क्लासिकल डेमोक्रेसी का जो है क्रिटिक माना जाता है, और वो भी एक तरह की इलिटिस्ट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन वो उस तरह से क्लासिकल इलिटिस्ट थिंकर नहीं है जो पैराटो मैकल मॉस का है। अब यहां पे देखिए ये भी डिफिकल्ट बन जाता है कि इसमें से बस सिंपली कह रहा ओरिजिन, मतलब करेक्ट कौन सा है, द ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ट्रेस्ड टू मैग्ना कार्टा। ये मेरे वो स्टूडेंट जो कि जानते हैं कि 1215 में हुआ था पहली बार एक तरह का चार्टर ऑफ राइट एक्सेप्ट किया था, वहां से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म शुरू होती है, तो माना जा सकता है यस ट्रू। ड्यूमा जो है वो रसिया का नेशनल लेजिस्लेचर है, ये भी कई स्टूडेंट को पता होगा लेकिन इतना आसान नहीं है। ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है इज नॉट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसको डिविजन ऑफ पावर कहते हैं। ये होता है तीन जो आर्म होते हैं स्टेट के, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, उसके बीच में जो सेपरेशन होता है जो मॉन्टेस ने कहा था अपने स्पिरिट ऑफ लॉ में, वो है। ये सब भी आसान नहीं है, और कनाडा को का जो है पार्लियामेंट्री फेडरल पॉलिटी जैसे इंडिया में है, तो ये भी आसान नहीं है, इसलिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये चारों जो है आर करेक्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सी को आपको जो है निकालना पड़ेगा, तो सॉरी ये ट्रू मैंने यहां लिख दिया, ये इसको ट्रू लिख दिया था, इसको फॉल्स कर दीजिए, ये ट्रू है। तो चूंकि सी को निकालना है तो ए बी डी हो जाएगा, तो ये इतना आसान नहीं है, इसको मैं डिफिकल्ट श्रेणी में रखूंगा। अब यहां देखिए फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये आसान है क्योंकि वो कानून नहीं बनाते हैं, बाकी वो ये सब सब करते हैं, कंटेस्टिंग इलेक्शन, कैडर, रिप्रेजेंटेशन, ये सब आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं। इसमें कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हुए लेकिन कंफ्यूज जरूरत नहीं है, कोऑर्डिनेट करते हैं विद इन गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। तो इसको ई को बाहर निकाल दें तो ए बी सी डी होता है। मेरे टिक मारने में मत जाइएगा, मैं मतलब मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, होता है कई बार टिक मैं अभी भी गलत मार रहा हूं शायद। अब आइए जिस पे कि आप सुनना चाहते हैं बहुत ज्यादा। सबसे पहले आइए डिफिकल्टी लेवल, इससे पहले कि हम चर्चा करें कट ऑफ और चैलेंज पे। जैसा मैंने बोला कि चैलेंज जो है आप कर सकते हैं 28, 37, 42, 48, 57, ये 5 क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने सबका रीजन भी बताया है, लॉजिक भी दिया है, रिसर्च भी आप कर सकते हैं, और उसमें तो 5 को आपको चैलेंज करना है। इसको भी हम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कहेंगे, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि चैलेंज का मतलब ही एक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट गलत क्वेश्चन था, और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट जो मैंने मार्क भी किया वो 6 है। तो ये 11 जो है वो तो ऐसे क्वेश्चन है जो कि कितना भी आप पढ़ के जाए तो इसमें आपको गलती होगी, बिल्कुल होगी। आप कोई भी मेरा स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट नहीं बना पाएगा। तो आपके पास 64 क्वेश्चन बना जिसको कि आप सही कर सकते हैं, उसमें से 14 डिफिकल्ट थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। तो आपके पास में 50 क्वेश्चन बनते हैं, उसमें भी 13 जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट था और 37 केवल इजी था। तो अब हुआ क्या होगा
देखिए इसमें ऐसा होता है कि ये 50 जो क्वेश्चन थे इजी एंड मॉडरेट, वो अधिकतर स्टूडेंट ने, अधिकतर बच्चों ने क्रैक किया होगा, अधिकतर ने। इसलिए मोड यदि आप देखेंगे जिन्होंने तैयारी किया होगा, तो इंडिया में बहुत सारे हजारों स्टूडेंट जो हैं 50 और 60 के बीच में लाएंगे, वो लोग जो हैं अच्छे यूनिवर्सिटी में वो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है, वो बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर किया मैं कहूंगा। लेकिन जिन्होंने डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी अच्छा किया है, वो बड़े ही विरले स्टूडेंट होंगे, बहुत ही उनमें दम होगा, कूल भी बनाए रखा होगा, तो वो 64 तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे यदि उन्होंने गैस वस किया हो तो इसमें भी कुछ एरर हो जाएगा, लेकिन यदि वो अपना कूल बनाए रखें और यहाँ 64 में 60 को उन्होंने क्रैक कर दिया हो, चार गलत भी कर लिया हो डिफिकल्ट में से, लेकिन इन 16 में केवल ए ए बी बी जो मैंने सिखाया था वो कर दिया हो, तो उनका स्कोर जो है 65 क्रॉस कर जाएगा। यस, और वही स्टूडेंट जो है वो जेएनयू में जाएंगे। फिर से मैं कह रहा हूं, कौन स्टूडेंट, जो कि इनको तो करेंगे ही, इस 14 में से 4-5 को छोड़ के करेंगे, और यहां पे वो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, सब में ए ए बी बी कर लेंगे, वो 65 के आसपास उनका जो है टोटल हो जाएगा। 65 के आसपास का मतलब जो मार्क्स में होता है, इसको आप 4 से गुना कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि 260 के आसपास हो जाता है 300 में। अब आइए कट ऑफ पे देखते हैं। तो जो मैंने कहा वही है कि जो मोड होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन का, जो बेल कर्व जो ऐसे बनता है ना, वो 50 नंबर पे बनेगा। यहाँ पे आके 65 के ऊपर बहुत कम लोग होंगे और 50 सबसे अधिक लोग होंगे, और यहाँ पे 40 के नीचे भी बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो तैयारी किए हैं, ऐसा बेल कर्व बनेगा। बेल कर्व यदि नहीं जानते तो आप नेट पे पढ़ लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो मार्क्स का आएगा। तो मुझे लगता है कि ये वो स्टूडेंट होंगे जो अच्छे यूनिवर्सिटी जिनको मिलेंगे। 60 के ऊपर जो है बहुत थोड़े स्टूडेंट हो जाएंगे, थोड़े मैं बोलता हूं तो यहां भी 60 के ऊपर 400 से 500 स्टूडेंट होंगे पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन उसमें से सभी जेएनयू नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहां वेटिंग लिस्ट में रह जाएंगे। वहां जाने के लिए आपको 65 के आसपास पहुंचना है, और वो आप एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं जो मैंने बताया, एक कि आप सारे इजी और मॉडरेट को बिल्कुल 100% कर दे, जो आप कर सकते हैं, डिफिकल्ट में से 3, 4 या 5 को छोड़ के सब कर दें, और बाकी में दिमाग लगाने के बजाय आप ए बी भी कर दें, तो आप चैलेंज भी अभी करेंगे और उससे आपको कुछ सही भी निकलेगा, तो 65 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं अबव 260 तो डेफिनेटली जेएनयू के लिए क्वालिफाई करेंगे, मैं अब डेफिनेट बोल रहा हूं, लेकिन 250 से 60 वाले भी क्वालिफाई करेंगे। इनफैक्ट मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं, 245 से ऊपर वाले का बहुत अच्छा चांस है जेएनयू में आइदर मेन लिस्ट या वेटिंग लिस्ट में रहने का। लेकिन फिर मैं यहां बोलूंगा कि मेरे इन बातों पे ज्यादा मत जाइए, मैं इस पे कभी ज्यादा वैल्यू नहीं देता। 10 दिन में रिजल्ट निकलने वाला है, रिजल्ट क्या, रिजल्ट तो निकल चुका है, आपको बस जेएनयू में आप अप्लाई करना है, ये सब पता लग जाएगा, अब मत इस पे परेशान होइए। लेकिन यस 245 मेरे अनुसार से, अगेन मैं बोलूंगा मेरा व्यू है, मेरा थॉट है, लेकिन वो कितना बदल सकता है क्योंकि मैं स्टूडेंट नहीं हूं, मुझे बहुत सारे आसान लगते हैं जो आपको आसान नहीं लगेंगे। जब आप अपने एग्जामिनी होते हैं तो आपका पसीना छूटता है और आपको आसान क्वेश्चन भी गलत होती है, मेरे लिए वो सब इशू नहीं है। तो हो सकता है 240 से भी सिलेक्शन हो, लेकिन जैसा मैंने देखा है पिछले बार के कट ऑफ अनदर, मुझे लगा 245 से कम में तो बिल्कुल नहीं होगा, 250 में चांस ज्यादा है, 255 के ऊपर काफी अच्छा चांस है, और 260 के ऊपर डेफिनेटली होगा, ये मेरा कहना है। देन 60 to 65 यदि नेट सही होता है, इसका मतलब 240 से 60 के बीच में BHU SCU आपको मिलेगा, ये मेरा गेस है, मेरा कहना है, और 200 से 240 में आपको सारे अच्छे यूनिवर्सिटी मिलेंगे एक्सेप्ट JNU, BHU एंड SCU। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, एक बार फिर मैं बोलूंगा, इसको मेरे इन बातों को बहुत ज्यादा दिल से नहीं लगाना है, इस पे बहुत सारे जो है क्वेरी मत कीजिएगा, सर ऐसा आपने क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, मेरे पास में इसका कोई खास जवाब नहीं, मेरा हंच है। और थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत मुझे फीडबैक दिया है, बहुत सारी बातें बताई हैं, इसके चलते मैं दिन भर आज रिसर्च करता रहा इंटरेस्ट से। आई होप कि ये वीडियो उन सबको भी के लिए यूजफुल होगा जो DUET की प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैंने बताए हैं, और जो UGC नेट की प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें आपको बहुत सारे स्ट्रैटजी भी समझ में आए होंगे, जिसको एप्टीट्यूड कहते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को कूलली टैकल करना चाहिए और कैसे क्वेश्चन जो है आगे जाके आसान होते जाते हैं। सो ओके, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, यदि आपको पसंद आया हो, इस तरह से आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे आशा है कि इसके बाद आप काफी मेल भेजेंगे, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और यदि अभी तक आपने गाइड नहीं लिया है एंट्रेंस टेस्ट और 1500 MCQ, तो जरूर ले लीजिए, आप मिस कर रहे हैं। मतलब ये सब, ये दोनों गाइड लेने से आप वो जो 50 क्वेश्चन है ना,
उसको 100% करेंगे, ये मैं कह रहा हूं। और जो 14 क्वेश्चन है उसमें से 10 कर पाएंगे, और वहीं पे मेक और ब्रेक होता है। आप बाकी तो आपको गेस ही करनी है। आपने देखा कि 65 भी आप केवल गेस करके ही ला सकते हैं, आप क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन आप नहीं क्रैक कर सकते हैं। सो ओके डियर स्टूडेंट, मिलेंगे फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा।